आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी अपने कारोबार के जरिए नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब अंबानी का पूरा फोकस एनर्जी सेक्टर पर है और इसीलिए वो इस क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहे हैं। अंबानी का अगला लक्ष्य जीरो एमिशन फ्यूल ब्लू हाइड्रोजन पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब ग्लोबल लेवल पर ब्लू हाइड्रोजन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर बनना चाहती है। रिलायंस ने अपने कारोबार के लिए साल 2035 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कंपनी 30,000 करोड़ रुपए के प्लांट का इस्तेमाल पेट्रोलियम कोक से ब्लू हाइड्रोजन बनाने में करेगी। इसकी लागत करीब 90 रुपए से 113 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ेगी, जो कि ग्लोबल एवरेज का करीब आधा है। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि जब तक ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम नहीं हो जाती, तब तक रिलायंस भारत में मिनिमम इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के साथ हाइड्रोजन इकोसिस्टम स्थापित करने वाली पहली कंपनी होगी। हाइड्रोजन अभी तक सबसे स्वच्छ ईंधन है। प्रोडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से इसे हरा, नीला या ग्रे किया जा सकता है। इसमें ब्लू हाइड्रोजन को कार्बन रिलेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इससे वातावरण में एमिशन का फैलाव नहीं होता है। लेकिन ये ब्लू हाइड्रोजन क्या है, पहले ये जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ब्लू हाइड्रोजन का प्रोसेस भी उसी प्रोसेस से किया जाता है जिसका इस्तेमाल ग्रे, ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन बनाने के लिए किया जाता है। इसे कोयला, तेल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जमा किया जाता है और जमीन के अंदर स्टोर किया जाता है। इसका इस्तेमाल कार के इंजन से लेकर बॉयलर तक एनर्जी के सोर्स के रूप में किया जाता है। कार्बन कैप्चर करने और स्टोर करने की तकनीक और उपकरण महंगे हैं, जिससे इस फ्यूल की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन ये कम से कम ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में कम लागत पर क्लीन एनर्जी देता है। हाइड्रोजन फ्यूल का रंग केवल ये दर्शाता है कि ये कैसे बना है और ये कितना क्लीन है। मुकेश अंबानी को पता है कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। ग्लोबल वार्मिंग से तभी बचा जा सकता है जब दुनिया में क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़े। मुकेश अंबानी का रिलायंस को अगले 15 साल में कार्बन मुक्त कंपनी बनाने का लक्ष्य है। हाल ही में अंबानी ने गुजरात में ग्रीन एनर्जी पर बड़े निवेश का ऐलान भी किया। इसके तहत रिलायंस गुजरात में ग्रीन एनर्जी और दूसरे प्रोजेक्ट्स में 5,95,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गुजरात को कार्बन मुक्त राज्य बनाने के लिए 100 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिस पर 5,00,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोलर मॉड्यूल, हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगले 3 से 5 साल में मौजूदा परियोजनाओं और नए उपक्रमों में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रिलायंस का क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा निवेश ये बताता है कि मुकेश अंबानी पेट्रोलियम रिटेल किंग बनने के बाद अब ग्रीन एनर्जी किंग बनने की राह पर चल पड़े हैं। तो वहीं अब अंबानी ब्लू हाइड्रोजन के जरिए दुनिया भर में छा जाने की तैयारी कर रहे हैं।